बोलती है, अकेले हंसती है, अकेले शांत होती है, फिर और हंसती है। गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज आपने पिछले कल के ब्लॉग में देखा था, हम गए थे घूमने फिरने के लिए, वो सब कुछ आपको ब्लॉग में दिखाने की कोशिश करी। तो आज मॉर्निंग में हम उठ गए हैं, आज संडे है तो छुट्टी तो है ही है, और हम सोच रहे हैं प्रॉप मैम और मैं मार्केट एक्सप्लोर करने जाएंगे। अपनी दीदी को भी साथ में जबरदस्ती पकड़ कर लेके जाएंगे अगर ये चले तो। मार्केट देखेंगे, यहाँ की नज़दीक में चांदनी चौक की मार्केट है शायद, और दूसरी कोई मार्केट होंगी नियर बाय जिसको मैं एक्सप्लोर करने का दिल हुआ, तो डेफिनेटली हम एक्सप्लोर करेंगे। ब्लॉगिंग अगर कर पाई तो करूँगी, अदरवाइज आपको घर आकर के अपडेट दूंगी कहाँ से क्या लिया। और मॉर्निंग की चाय से आज दिन की हम शुरुआत कर रहे हैं, चाय पीते हैं, चाय बन के तैयार है, मॉर्निंग चाय हम पियेंगे साथ में स्नैक्स हो चुके हैं। साथ में मैंने जो ये लिपस्टिक लगाई है ये है मेबेलिन न्यूयॉर्क की, और इसका शेड है 120 आर्टिस्ट लिप कलर, डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगी। तो गाइस मार्केट जाने के लिए हमें जल्दी जल्दी तैयार होना हुआ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग सारी मार्केट्स लगती हैं दिल्ली में। तो हमने मुसली में दूध मिक्स किया और उसको खा लिया, उसको खा करके चाय के साथ पिया और निकल गए। और गाइस हमने लिया ऑटो, ऑटो लेकर के हम दिल्ली से निकल रहे हैं, चांदनी चौक के नज़दीक ही है नई सड़क की बाज़ार, वहाँ जाने के लिए हमने यहाँ से ऑटो लिया जिसमें अप्रॉक्स हमारे 200 रुपीज़ लगे। प्रवीण ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखा था प्रवीण को। तो हम चल दिए हैं शॉपिंग करने के लिए, चलिए आप भी आज आपको बाजार का शेयर कराते हैं। तो गाइज आप सबको पता है कल मैं गई थी इस्कॉन टेम्पल में भैया के पास, और प्रभाम भी मेरे साथ थे, मेरे सिस्टर वहाँ हमारे साथ इसलिए वजह से नहीं गए थे बिकॉज उनको अपने एसी की सर्विस करानी थी। और एसी की सर्विस उनको क्यों करानी थी आगे उनके थ्रू ही सुनिए आप एग्जैक्टली एसी को क्या हुआ था। और यहाँ हम तीनों बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि हमने ट्यूनिंग कर रखी है ब्लैक सनग्लासेस लगा करके, तो साथ में वो गाना भी याद आ रहा है। अब काला चश्मा जच रहा है कि नहीं जच रहा ये तो आप कमेंट करके या लाइक करके वीडियो को हमें बता सकते हैं, बट हम चल दिए हैं आगे अपनी जर्नी के लिए। और अब आपको लेके चलते हैं सीधा मार्केट। पहले मुझे एक और चीज़ याद आई, यहाँ पे सड़क में ही छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कि बेगिंग कर रहे होते हैं, और उनको देख के दया भी आती है, और वो चलती हुई गाड़ियों के एकदम सामने आ जाते हैं, उनको डर भी नहीं होता। तो मुझे तो, मैंने उस लड़की को बोला कि आप ऐसे मत आओ, बट स्टिल गाइज अगर आपको भी दिखे कोई बच्चा ऐसे तो थोड़ा गाइड करें कि बचपन में एजुकेशन की तरफ जाएं वो इंस्टेड ऑफ बेगिंग फॉर स्मॉल पेनी। गाइस फाइनली नई सड़क की मार्केट हम पहुंच गए थे, और वहां जाकर के सबसे पहला काम तो हमने जो घर से लाई हुई पानी की बॉटल्स थी उसे पानी पीने का किया, बिकॉज हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस दिन, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, और हम आए भी मॉर्निंग में थे, अप्रॉक्स 9 बजे पहुँचे थे, बट स्टिल हमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और हमने पानी पिया उतरते ही और थोड़ा बहुत मार्केट को एक्सप्लोर किया, बिकॉज आज संडे था, मैक्सिमम शॉप्स आपको क्लोज दिख रही होंगी, थोड़ी बहुत शॉप्स ओपन थी जहाँ से हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। सो गाइज यहाँ फाइनली सब लोग, आपको दिख रहा होगा आगे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, रिक्शे में ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं मैक्सिमम, मेरे को अमेरिकन दिख रहे थे ये लोग जो रिक्शे में जा रहे हैं, पूरी फैमिली हो गया आई गेस ये जो मार्केट एक्सप्लोर करने आई है। तो आप भी आएंगे दिल्ली, मार्केट एक्सप्लोर कीजिए और काफ़ी शॉपिंग भी आप कर सकते हैं, बिकॉज आपको नॉर्मल रेट से सस्ते दामों पर यहाँ चीज़ें मिलती हैं। मैंने भी कुछ कुछ चीज़ें ली, और देखिए आप क्या क्या दिखा रहे हैं शॉप में। हमने अप्रॉक्स ये 350 का वहाँ से लिया, 399 का बोल रहे थे, 350 तक हमें दे दिया भैया ने ये, और इसको लेकर के हम आए। दीदी ने एक नॉवल खरीदी यहाँ से, उनको पढ़ने का शौक है, तो दीदी को तो थोड़ा बहुत सामान मिल ही गया। और हम अभी आगे जा रहे हैं कि हमें कुछ और भी समझ आए जो हम ले सकते हो यहाँ से मार्केट से, क्योंकि समझ तो देख करके ही आ रहा है कि ये चीज़ लेने की है कि नहीं। सो गाइस फाइनली हम अब यहाँ से और कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ कीरिंग्स हैं जिसमें एनीमे का पोर्ट्रे किया गया है, एक कीरिंग मैंने प्रिंस के लिए लिया, थॉर वाला हथौड़ी का वो,
कीरिंग पे रिप्रेजेंटेशन थी, तो उनको चाहिए ही था वैसा कि उनको ऐसा कोई हैमर वाला कीरिंग मिले अपनी बाइक के लिए, तो वो वहाँ से लिया और हम आगे चल दिए। तो यहाँ प्रवीण ने भी व्लॉगिंग करनी शुरू करी, उसको देख के मुझे भी कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी व्लॉगिंग कर लूँ थोड़ी बहुत। और गाइस आगे आपको शॉप्स दिखेंगी जिसमें आप, क्योंकि इसके साथ ही नई सड़क के साथ ही आगे चांदनी चौक का मार्केट है, तो आपको वो सब भी देखने को मिलेगा, लहंगा ये सब कुछ। और काफ़ी गर्मी थी, दीदी ने अपना फेस कवर कर लिया, मैं भी सोच रही थी कवर करने का बट मैंने नहीं किया। और आगे जा रहे हैं यार, शादी के कार्ड भी आप छपवा सकते हैं अगर आप छपवाना चाहें। तो आगे चलते ही अब दिखाती हूँ आपसे दूल्हे वाली साइड की और दुल्हन वाली साइड के लिए क्या चीज़ें अवेलेबल है। प्रवीण तुम्हारे लिए कितना ऑप्शंस है अपनी साइड से, अपनी मम्मी दीदी बहन सबके लिए ले जाना जो नाराज हो उसे खुश कर दो। अरे लोग और के मंदिर में जा रहे हैं, किसके पास इतना टाइम है? ये 2100 का बता रहा ना, ये वाला और ये वाला, ये वाला 2500 चुनरी। टोटका पराठा क्या पेरी पेरी, ये दीदी ने रिकमेंड किया है ये रेस्टोरेंट। सबके 12 बज गए, अच्छा मेरे पीछे यहाँ मुक्की लगी हुई झटके भी है, कूलर रहा है वो ऐसी गर्म हवा ना बाहर से, तीन दिन पंखे लगाए हुए एसी लगाया हुआ फिर भी गर्मी है। और क्या बोलना चाहते हो अपने दोस्तों को? खोपचा देखो पर भी इनको ने काफी खोचे हमारे पास आ रहे हैं, लस्सी भी आ रही है, कितनी गर्मी हुई हमारे को हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। इसको भी याद आ गया मैं ब्लॉग इसको में क्या ही ब्लॉग ये देखो बनाने वाले रेखा वाले जैसे इस कोफ्ते का भी ब्लॉग बना लेते तो गाइस अगर आप आते हैं यहाँ पे चांदनी चौक में तो आप यहाँ का ये ट्राई जरूर करना, आपको इसी की फैसिलिटीज अच्छी मिलेंगी। आप आगे बर्गर किंग तक जाना अवॉइड करना चाहते हो। कितनी आपकी? ये अकेले बोलती है, अकेले हंसती है, अकेले शांत होती है, फिर हंसती है। सो गाइज दीदी ने मेरी तारीफ तो कर दी, अकेले हंसने वाली, अपने में खुश रहना हर इंसान को करना चाहिए। और अभी आपको मैंने बताया टोना टोटका परांठा भी यहाँ था, उसमें नींबू और हरी मिर्च थी, दैट्स इट टोना टोटका। हम लस्सी पी रहे हैं और आप देख सकते हैं उस टेबल में वो लड़की की कितनी कॉन्शियस होके हमें मुड़ मुड़ के देख रही है, मुझे देख रही है। व्लॉगिंग करते हैं तो लोग ऐसे ही देखते हैं घूर घूर के। और अब हम यहाँ से फाइनली निकलते हैं, हमने भी रिक्शा लिया, हमने सोचा कि अब हम लाल किला रिक्शे में बैठे बैठे देखें, साथ में पहुंचे चोर बाजार क्रॉस करते हुए कहाँ पहुंचेंगे। चलो इसके लिए 5 मिनट वेट कर लीजिए व्लॉग में, साथ में चलिए आप हमारे। सो गाइज अब हम चलते हैं रिक्शे में, दीदी का रिक्शा आगे चला गया, हमारा पीछे आ रहा है, साथ साथ हम चले हैं। और जितनी भी शॉप्स आपको पड़ोस में दिख रही हैं हमारे आसपास, यहाँ आपको वैरायटी ऑफ लहंगाज मिल जाएंगे सस्ते सस्ते रेट्स में। तो शादी की शॉपिंग करनी है तो चांदनी चौक से कीजिएगा। आधे यात्री जन हमारे आगे वाली उसमें है, आधे यात्री जन हम दो यहाँ पे तो चल रहे हैं। ये आगे क्या है अंकल? ये लाल लाल किला है, लाल किला है, लाल लाल इसलिए लाल किला है, रेड फोर्ट। ओके और ये मंदिर कौन सा है?
सो गाइज लाल किला क्रॉस करते ही यहाँ पर एकदम सीधम स्लांटेड एरिया आया जहाँ पे भैया ने प्रवीण को उतरने को कहा, थोड़ा धक्का लगाने के लिए कहा, बिकॉज रिक्शे को ऐसे चलाना मुश्किल है। मैं सोच रही थी मैं भी उतर जाऊँ पर अंकल ने कहा आप बैठे रहिए, तो मैं बैठी रही और हम चलते हैं अब आगे। थोड़ा डर भी लगता है दिल्ली में व्लॉगिंग करते हुए, कहीं फ़ोन ना स्नैच हो जाए, बट ध्यान रखते हुए हमने व्लॉगिंग करी और हम चले हैं आगे अपने रास्ते पे। काफ़ी सारी मार्केट्स हैं जो साइड में दिख रही है, अभी बाइसाइकिल मार्केट आएगी, आप देखिए। मेन रोड यहाँ है, अंकल साइड साइड से लेके चले। बाजार है नहीं बेटा, बाजार लगा नहीं है, नहीं लगा है। कैसा रहा तुम्हारा ट्रैवल फ्रॉम नहीं वैसे कैसे मजा आया चांदनी चौक टू दरियागंज? ठीक है, धूप थी बहुत। दरियागंज का बाजार सो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं जो बुक्स हैं वो केजीज के हिसाब से मिल रही हैं, पर केजी हमें कुछ रेट है जो चार्ज होगा, आप कितनी भी बुक्स लेना चाहें एज पर केजी आप उसको पे आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से इस शॉप में बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कि बुक्स हो गए, कैरम बोर्ड हो गया, कैप्स हो गई, हैट्स हो गई, साथ में और भी डेली यूज़ की चीज़ें हैं, डायरी है, क्लोथ्स है, तो काफ़ी कुछ था यहाँ मार्केट के इस शॉप के अंदर। थोड़ा बहुत हमने सामान देखा और हम निकल दिए, अपने व्यूअर्स के लिए भी मैंने कैप्चर किया है। अगर आपको भी शॉपिंग करनी है आप आइए चांदनी चौक के बाज़ार में, और ये सारी छोटी मोटी मार्केट जो है स्ट्रीट मार्केट्स लगती हैं यहाँ पर, उनको भी एक्सप्लोर कीजिए गाइस। दीदी की कुकर की सीटी का ऊपर वाला जो ये पार्ट होता है ये गुम हो गया था, इस वजह से वो सेपरेटली इसको मांगने की कोशिश कर रही थी पर भैया ने मना कर दिया देने के लिए, पूरी सीटी ही खरीदनी पड़नी थी। तो हम यहाँ से निकलते हैं गाइस, हमें लेट हो रहा है, हमें गुड़गांव को निकलना है। अब दीदी के पास जाते हैं फिर वापस जाएंगे, और रास्ते में ये हनुमान जी का मंदिर आया, जय श्री हनुमान जी। यहाँ मेरे बड़े सिस्टर हैं। कैसा लगा फिर मार्केट में जाके? और मैम आपके क्या हाल है? जिंदा है हम? प्रवीण आपके क्या हाल है? एकदम फर्स्ट क्लास। गर्मी में कूल नहीं होता, और हम इस गर्मी में आकर के चाय पी रहे हैं। हमें ऐसा बोलना चला है, हमें ऐसा बोलना चाहिए ना, हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो। फ्रेंड्स चाय पी लो गर्मी गर्मी में एसी की ठंडी कूलिंग हवा में। और अभी हम मार्केट गए थे, मार्केट जाकर के हमने शॉपिंग काफी करी है। चलो शॉपिंग तो दिखाने का टाइम नहीं है, बट हमने जो ये टेबल यहाँ रखा है ये टेबल भी हम अभी मार्केट से खरीद के लाए हैं, जो कि आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। हमने ये टेबल खरीदा था अप्रोक्स 350 का, और ये नहीं बोलना अभी, नहीं करेंगे। लिंक शेयर कर देंगे हम, अमेज़न का लिंक शेयर कर देंगे, आपको खरीदना तो खरीद लेना। वो बोलता है हाँ जी क्या चाहिए आपको, मैं पिंक में कुछ दिखा दो। मार्केट पूरा जो मिला पिंक कलर में वही उठा रहे थे।
पिंक पर हमने ब्लू लिया है, पिंक में था नहीं। उसके पास था जो 400 का दे रहा था, उसके पास था उसका जो था ना पिंक वाला, तो उसमें डिजाइन था कुछ बना हुआ, उसने वो खराब था। ये सुंदर है, अच्छा लग रहा है। तो मेरे पास था नहीं, मैं ऐसा सा ढूंढ रही थी कि वो सस्ता सा मिल जाए, बट इसका ये है सब कोई फर्क नहीं है। नहीं मेरे पास तो वो दूसरा है ना, वो उसकी क्वालिटी बेटर है, पता है क्यों? चाहे वो भले ही महंगा है बट उसके नीचे ये चीज नहीं है, उसके नीचे स्टैंड है वो अच्छा, जैसे हमारे पाँव अच्छा ग्रिप बनाते हैं, अगर हम मछली होते तो हमारे ग्रिप नहीं बनता, ये तो मछली है पूरा लंबा है। नहीं इसके अंदर दो लोग हैं, तू है एक दूसरी मछली है, वो वाली मछली है, क्या ये बोल रही है, मैं बताती हूँ बस मेरी चाय ना गिरे। दिखाओ कभी इधर लाओ, क्या है आपको बताओ? ये दो है, ये एक रेखू है एक ये मैं हूँ, ये मोटू है तो रेखू है, ये मछली है, मछली है। और हम आसमान में उड़ रहे हैं और यहाँ मेरा लैपटॉप है ना, एलो रॉयल ग्रीन। चलो ठीक है जी, हम अब चाय पीते हैं, मिलते हैं आपको बैक टू गुड़गांव वाले ब्लॉग में, वही खत्म करते हैं, बाय बाय। ऐसे हो गई सबर करो। सो अब हम यहाँ से निकल गए हैं दिल्ली को, टाटा सी यू बाय बाय करके दिल वालों की दिल्ली को, और अब जा रहे हैं हम गुड़गांव की तरफ ताकि कल अपने ऑफिस जाएं और जितना कुछ भी वहाँ रिकॉर्डिंग हो आपको भी दिखाएं। तो निकल गए हैं हम, और यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क्स आगे पीछे हो रहा है कुछ कुछ, जो कि रास्ते में कैप्चर किया, बड़ी बड़ी क्रेन्स लगी हुई हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में वहाँ हेल्प कर रही है। तो वहाँ फाइनली हम पहुँच गए हैं गुड़गांव, और गुड़गांव जा कर के अब होटल में जाके कुछ ऑर्डर करते हैं, बिकॉज भूख लगी हुई है, पूरे दिन के थके हुए हैं, पहले मार्केट एक्सप्लोर करी थी और अब हम फाइनली गुड़गांव पहुँचने ही वाले हैं। तो चलिए आप भी गुड़गांव का लोकेशन देखिए वीडियो में आगे। और गाइस प्रमोशंस के लिए आप देख सकते हैं इस वॉल के ऊपर आईफोन 14 की कितनी अच्छी प्रमोशन करी है, इतना बड़ा बैनर लगा के पूरी बिल्डिंग के ऊपर लगाया है, जब भी कोई देखता है उसका ध्यान उसी पे जाता है। और हम पहुंचने वाले हैं गुड़गांव जल्दी ही, आप देख सकते हैं साउथ सिटी 1 के लिए ये लोकेशन आगे जा रही है, और हम भी चल दिए हैं अपने रास्ते पर और पहुँचने ही वाले हैं। और गाइस जाकर के हमने ऑर्डर किया खाने के लिए, क्या ऑर्डर किया ये तो मैं वीडियो में ही दिखाऊंगी, और रूम भी काफ़ी अच्छी सर्विस करके रखी हुई थी जिससे देख के बहुत खुशी हुई। गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और आप देख सकते हैं मेरा फेसबुक और इंस्टा का लिंक मैंने ऊपर लगा दिया है, लिंक नहीं बट जो नाम से मैंने ये सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए हैं आप जाके उनको भी फॉलो कर दीजिए साथ में ही। और गाइस ये लड़की यहाँ पे रोजेस बेच रही थी, इसको भी मैंने कैप्चर कर लिया बिकॉज ये बार बार नॉक कर रही थी विंडो में। सो गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, छोटों से प्यार करें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें और खुद का ध्यान रखें। गाइस मिलते हैं कल फ्रेश व्लॉग में, आज के लिए इतना ही, टाटा सी यू बाय बाय टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और खाने में हमने क्या ऑर्डर किया वो भी देख लीजिए।